आज की वीडियो में आपको ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की डायवोर्स को लेकर बहुत चर्चा थी, लेकिन आज बच्चन परिवार ने एक ऐसा काम कर दिया जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्चीज मूवी रिलीज होने वाली है और इस मूवी में अगस्त्या नंदा ने भी काम किया है। अगस्त्या अमिताभ बच्चन के नाती हैं और इस मूवी के लिए स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस मूवी के प्रीमियर पर जहां बहुत से सेलिब्रिटीज एक साथ दिखाई दिए, वहीं बच्चन परिवार भी एक साथ दिखाई दिया। जी हां, बच्चन परिवार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, आराध्या, श्वेता, अगस्त्या सब एक साथ इसकी मूवी प्रीमियर पर आए। और जब सब एक साथ आए तो बॉलीवुड में एकदम चुप आ गई। हम सब जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से बच्चन परिवार के बीच लड़ाई झगड़ों की खूब धूम थी और बताया जा रहा था कि ऐश्वर्या और अभिषेक डायवोर्स लेने वाले हैं, लेकिन जब सबको एक साथ देखा गया तो थोड़ी देर के लिए सब हैरान रह गए। लेकिन जब ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या को देखा गया तो ये पता लगा कि ये सिर्फ कैमरास के लिए था और ऐसा सच में बिल्कुल भी नहीं है। ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। एक भी मौका ऐसा नहीं आया कि आराध्या ने अपनी माँ का हाथ छोड़ा हो, और अभिषेक बच्चन दोनों के साथ होते हुए भी दोनों के साथ नहीं थे। ऐश्वर्या और अभिषेक एक दूसरे से काफी डिस्टेंट नजर आए, ना ही दोनों को साथ में देखा गया, ना दोनों साथ में खड़े हुए, ना ही दोनों एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐश्वर्या और आराध्या एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे बच्चन परिवार के साथ तो जरूर थी, लेकिन वो इस साथ होते हुए भी बिल्कुल साथ दिखाई नहीं दे रही थी। और यही सब नेटिजन्स ने भी फील किया है और उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में ये सब बातें अपने फैंस के साथ, अपने डिफरेंट कलीग्स के साथ शेयर की हैं। और कमेंट सेक्शन इन बातों से भरा पड़ा है कि ऐश्वर्या इस फैमिली में फिट दिखाई नहीं दे रही, और जिस तरह से आराध्या अपनी माँ का हाथ थामे हुए हैं, ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो सब साथ रहते हैं। आप इस सब को देखकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और ये सिर्फ कैमरास में ठीक दिखाया जा रहा है? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।